नमस्कार, मैं शिवानी भिलवाड़ा हलचल में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। ठगी का प्रयास करते भिलवाड़ा में 5 पत्रकार गिरफ्तार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 नवंबर को आएंगे भिलवाड़ा। भिलवाड़ा में भाजपा कांग्रेस में निर्दलीय प्रत्याशियों ने किया जनसंपर्क। जाट, गुजर, थाकड़ और खंडेलवाल भी प्रचार में जुटे। अवैध पिस्तल के साथ युवक गिरफ्तार। खुद को पत्रकार बताकर चुनाव 2023 के सर्वे के नाम पर आधार कार्ड व मोबाइल नंबर लेने पर एमपी व यूपी के 5 युवकों को किडीमाल गांव में ग्रामीणों ने दबोचकर पुलिस को सौंप दिया। पुलिस ने युवकों को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। करड़ा पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार अभय कांड सेंटर से मिली सूचना पर थाने से दीवान जगदीश लाल, कांस्टेबल सुनील व चालक कैलाश चंद्र के साथ किडीमाल पहुंचे, जहां ग्रामीणों ने 5 युवकों को रोक रखा था। ग्रामीणों ने पुलिस को बताया कि ये सभी लोग खुद को पत्रकार बताकर ग्रामीणों से उनके आधार कार्ड व मोबाइल नंबर जबरदस्ती मांग रहे हैं। कारण पूछने पर इन युवकों ने बताया कि वे विधानसभा चुनाव का सर्वे कर रहे हैं। इस पर पुलिस ने उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के पट्टीधार का पूर्व निवासी पुष्पेंद्र सिंह पुत्र पाल सिंह, विपिन कुमार पुत्र छत्रपाल सिंह निवासी सरायडीड बांदा, शुभम पुत्र हरि सिंह निवासी इंदिरा गालानी मंदसौर मध्य प्रदेश, बलराम पुत्र प्यारेलाल निवासी लालपुरा जिला बांदा उत्तर प्रदेश और बांदा जिले के ही ग्राम रिसावरा निवासी जयप्रकाश पुत्र बाबूलाल से दीवान जगदीश लाल व जापता ने गांव के पर्सनल मोबाइल नंबर व आधार कार्ड मांगने का कारण पूछा तो कोई संतोषप्रद जवाब नहीं देकर मरने मारने पर उतारू हो गए। पुलिस ने जब इनसे सर्वे की परमिशन मांगी तो ये युवक उत्तेजित हो गए और ग्रामीणों व पुलिस जापते के साथ मरने मारने पर उतारू हो गए। ऐसे में पुलिस ने शांति भंग के आरोप में इन 5 युवकों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस 5 युवकों को थाने ले गई। पुलिस का कहना है कि इनके खिलाफ न्यायालय में इस्तगासा पेश किया जाएगा। प्रेम कुमार गढ़वाल की रिपोर्ट। भिलवाड़ा विधानसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी विट्ठल शंकर अवस्थी के चुनाव प्रचार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 नवंबर को भिलवाड़ा आएंगे। यहां एक बड़ी चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। इस सभा से अवस्थी के पक्ष में चुनावी फिजा बदलने के साथ ही भाजपा से दूरी बनाने वाले कार्यकर्ताओं के फिर जुड़ने की संभावना जताई जा रही है। विधायक विट्ठल शंकर अवस्थी ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भिलवाड़ा कार्यक्रम तय हो गया है और वे 22 नवंबर को आएंगे। इसे लेकर भिलवाड़ा में 2 जगह मोदी ग्राउंड और सुखाड़ा स्टेडियम में सभा आयोजित करने का प्रस्ताव बनाकर भेजा जा चुका है। इनमें से एक जगह आम सभा होगी जिसका चयन अभी होना है। उन्होंने कहा कि उनके प्रचार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक 5 बार आ चुके हैं और उन्हें आशीर्वाद दिया है। उन्होंने विश्वास जताया कि मोदी की सभा से चुनावी फिजा बदलेगी और भाजपा पहले से अधिक वोटों से भिलवाड़ा में जीतेगी। राजकुमार माली की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रचार में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी 22 तारीख को भिलवाड़ा पधार रहे हैं और उनके चुनावी मीटिंग की तैयारियां जोर शोर से हमारे भारतीय जनता पार्टी संगठन ने शुरू कर दी है। सब तैयारियों पर ध्यान मौका देखने के लिए और सब जगह सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने अपना पूरी मीटिंग बुला के और हमारे महेंद्र सिंह जी वगैरह जितने थे हमारे संभाग प्रभारी और उन्होंने मीटिंग कर ली है। निश्चित रूप से ये एक बहुत बड़ा अवसर है कि मेरे हर चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी जी चुनाव प्रचार के लिए पधारते हैं। ये 5वां मौका है। उनकी कृपा और आशीर्वाद और भगवान की कृपा और आशीर्वाद से मैं निश्चित रूप से भिलवाड़ा में भारतीय जनता पार्टी पुराने इतिहास को तोड़ते हुए, पुराने रिकॉर्ड को तोड़ते हुए विजयी होगी, ये सुनिश्चित है। भाजपा के अनुशासन समिति के अध्यक्ष ने भिलवाड़ा भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष लादूलाल तेली, पूर्व यूआईटी चेयरमैन लक्ष्मी नारायण डाड, नगर परिषद के उपसभापति रामनाथ योगी और पूर्व नगर अध्यक्ष कन्हैयालाल स्वर्णकार को पार्टी निलंबित कर दिया गया। उल्लेखनीय है कि यह भाजपा पदाधिकारी पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी के विरोध में निर्दलीय प्रत्याशी के साथ काम कर रहे हैं। सूत्रों के अनुसार कुछ और पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं पर भी गाज गिरने की संभावना है। विधानसभा चुनाव 2023 के मद्देनजर पुलिस के चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत आसीन पुलिस ने एक युवक को अवैध पिस्तल में मैगजीन व 3 कारतूस के साथ गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने यह कार्रवाई डीएसटी टीम की सूचना पर की।
आसिन पुलिस ने बताया कि जिला पुलिस अधीक्षक श्याम सिंह के आदेश से चुनाव के मद्देनजर अवैध हथियारों की धरपकड़ के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत डीएसटी टीम प्रभारी अशोक विश्नोई ने आसिन पुलिस को सूचना दी कि एक बाइक सवार जो सफेद शर्ट और ब्लू जींस पहने हैं, जो पिस्तल लेकर मालासेरी से कांवलास की ओर आ रहा है। सूचना पर सब इंस्पेक्टर राजेंद्र सिंह में जाप्ता कांवलास चौराया की ओर पहुंचे। पुलिस ने सूचना के मुताबिक बाइक सवार को रोका, उसकी तलाशी ली तो एक अवैध पिस्तल में मैगजीन और 3 कारतूस मिली, जिसे जब्त कर लिया गया। बाइक सवार कानपुरा निवासी सुरेश 29 पुत्र रामलाल गुजर को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया गया। विधानसभा चुनाव के मतदान की तारीख निकट आती जा रही है, वैसे वैसे चुनाव प्रचार जोर पकड़ता जा रहा है। भीलवाड़ा में त्रिकोणीय मुकाबले को लेकर तीनों ही प्रत्याशी जनसंपर्क में जुटे हैं और देर रात तक सभाएं और लोगों से मिलने जुलने का कार्यक्रम चल रहे हैं। गुरुवार सुबह भाजपा प्रत्याशी विट्ठल शंकर अवस्थी ने वार्ड नंबर 50 के सांगानेरी गेट, सांगानेरी कॉलोनी, आदर्श नगर और तिलक नगर क्षेत्र में घर घर जाकर जनसंपर्क किया। इस दौरान लोगों ने अवस्थी का फूल माला व पगड़ी पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान पार्षद उदयलाल, अनिल पुरी, अनिल जैन, राजू जांगेड़ आदि साथ थे। इस दौरान नुक्कड़ सभा में अवस्थी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 तारीख को भीलवाड़ा आ रहे हैं, उनकी सभा को सफल बनाते हुए कमल के निशान पर वोट देकर विजय बनाने और केंद्र के साथ डबल इंजन की सरकार बनाए। जनसंपर्क में लगातार हमारा जारी है और इस जनसंपर्क में जो जन समर्थन मिल रहा है उससे लगता है भारतीय जनता पार्टी भीलवाड़ा में पिछला रिकॉर्ड तोड़ते हुए बहुत भारी बहुमत से विजयी होगी और जो शेष बचे निर्दलीय हैं उनमें दूसरे और तीसरे नंबर की लड़ाई जारी है। वो उनका प्रयास करते रहे, दूसरे पे कौन रहे, तीसरे पे कौन रहे, ये प्रयास जारी है। जनता ने मन बना लिया है, मोदी जी के कारण से इस देश के आम जनता के हृदय में भारतीय जनता पार्टी का कमल का निशान हृदय में उतर चुका है, उससे कभी विमुख नहीं होंगे और इन षड्यंत्रों को हम ध्वस्त करते हुए भारतीय जनता पार्टी बहुत भारी बहुमत से विजय हो। उधर निर्दलीय प्रत्याशी अशोक कोठारी ने अपने समर्थकों के साथ वर्धमान कॉलोनी, संजय कॉलोनी क्षेत्र में जनसंपर्क किया। उन्होंने लोगों से भीलवाड़ा के विकास के नाम पर बुलडोजर के निशान पर अपना वोट देने की अपील करते हुए शहर के विकास में भागीदारी बनने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि पिछले कई सालों में विकास के नाम पर कुछ नहीं हुआ है। कोठारी के साथ भाजपा नेता कन्हैयालाल स्वर्णकार आदि साथ। भीलवाड़ा वासी और जनता का इतना स्नेह, असीम स्नेह और उत्साह मिल रहा है, इस स्नेह के प्रति मैं कृतज्ञ हूँ और इन सब के स्नेह का ऋणी भी हूँ। एक अच्छी सोच लेकर और एक भीलवाड़ा का विकास लेकर इस क्षेत्र में आए हैं तो उसको दोनों को बहुत अच्छे से करेंगे। सोच भी रहेगी, मित्रता का भाव लेकर आए, नेता बनकर नहीं आए, एक दोस्त बनकर आए और काम करने आए, राजनीति करने का भाव नहीं है। सभी को शुभकामना। कांग्रेस प्रत्याशी ओम नारायणीवाल ने वार्ड नंबर बैंक ऑफ बड़ौदा चंद्रशेखर आजाद नगर कम्युनिटी हॉल जाटो का खेड़ा जैन मंदिर से ट्रांसपोर्ट नगर होते हुए आजाद नगर पार्क से कुंभा सर्किल तक प्रचार किया। इसके अलावा महेश अस्पताल चौराहे से विजय सिंह पथिक नगर के समस्त सेक्टर में महिला आश्रम कॉलेज तक लोगों से जनसंपर्क किया। इस दौरान नारायणीवाल ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा चलाई गई विभिन्न योजनाओं व आगामी विकास कार्यों की जानकारी दी तथा कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने की अपील की। इस दौरान जितेंद्र सिंह राजावत, बलविंदर सिंह गिल, गजराज विश्नोई, मंजू पोखरणा आदि साथ थे। मांडल से कांग्रेस प्रत्याशी रामलाल जाट ने स्वरूपगंज से जनसंपर्क की शुरुआत की। जाट ने बाद में बराठिया, दरी, कलुंदिया सहित विभिन्न गांवों में चौपाल, घर घर जाकर मतदाताओं से संपर्क करते हुए कांग्रेस सरकार बनाने के लिए समर्थन मांगा। उन्होंने विधानसभा क्षेत्र में 5 सालों में हुए विकास कार्यों को गिनाया। इस दौरान प्रद्युम्न सिंह, उप प्रधान श्यामलाल गुजर, स्वरूपगंज सरपंच प्यारेलाल शर्मा सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे। मालगढ़ विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी विवेक धाकर ने बरुंदनी और आसपास के क्षेत्रों में जनसंपर्क किया। इस दौरान लोगों ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत करते हुए उन्हें ऊंट पर बैठाकर जुलूस निकाला व बुलडोजर से पुष्प वर्षा की। धाकर ने मतदाताओं से रूबरू होते हुए कांग्रेस के विकास की नीतियां बताई और भाजपा की झूठ बोल जोर से बोल वाली नीति से सावधान रहने की बात कहते हुए कांग्रेस को जिताने की अपील की।
उधर भाजपा प्रत्याशी गोपाल खंडेलवाल ने गुरुवार को मोटरों का खेड़ा फादुम किया कि झोपड़िया आदि गांवों और मजरों में जनसंपर्क किया। इस दौरान लोगों ने जेसीबी से फूलों की वर्षा कर उनका स्वागत किया। जनसंपर्क के दौरान खंडेलवाल को घोड़े पर बैठाकर स्वागत किया गया। खंडेलवाल ने नरसिंह सागर, सराना, बल्दरखा आदि गांवों में जनसंपर्क किया। इस दौरान उप जिला प्रमुख शंकरलाल गुजर, महुआ ग्रामीण मंडल अध्यक्ष सांवरमल रेवारी, डीआर हरिलाल चाट, सीआर नारायण गुजर और वरिष्ठ नेता दिलीप सिंह आदि मौजूद थे। जाजपुर से कांग्रेस प्रत्याशी धीरज कुजर ने काकलिया के झुपड़े से आज जनसंपर्क शुरू किया। उन्होंने बालाजी पीपलूंद बस स्टैंड, सबरा माता का मंदिर, गोगा का खेड़ा, बाबा जी का खेड़ा, नाथून रामाखेड़ा, किशनपुरा, तलोदा आदि गांवों में जनसंपर्क किया। इस दौरान गुजर का जेसीबी से फूल वर्षा कर स्वागत किया गया। गुजर ने राजस्थान सरकार की उपलब्धियां बताते हुए कहा कि सरकार 500 रुपए में फ्री गैस सिलेंडर दे रही है, छात्रों को फ्री लैपटॉप की गारंटी दी। इस दौरान कई कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद थे। मांडल से कांग्रेस प्रत्याशी रामलाल जाट ने विधानसभा क्षेत्र में जनसंपर्क की शुरुआत गांव स्वरूपगंज की और बराठिया, दरी, कलुंदिया सहित विभिन्न गांवों में चौपाल घर घर जाकर मतदाताओं से संपर्क किया तथा कांग्रेस की सरकार के लिए समर्थन मांगा। उन्होंने कहा कि इस विधानसभा में 5 सालों में विकास कार्यों को गिनाया। इस दौरान प्रद्युमन सिंह, उप प्रधान श्यामलाल गुजर, स्वरूपगंज सरपंच प्यारेलाल शर्मा सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे। जानकारियों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। अभी लेते हैं छोटा सा ब्रेक। कहीं भी कभी भी अब हर खबर हर पल, ताजा और त्वरित खबरें पढ़ें भीलवाड़ा हलचल ऐप पर। वीडियो के साथ दिन भर की हर महत्वपूर्ण न्यूज, भीलवाड़ा हलचल यूट्यूब पर वीडियो बुलेटिन, अब ई पेपर भी उपलब्ध हर सुबह आपके मोबाइल पर। समाज की हलचल ऐप, व्हाट्सएप, एक्स, फेसबुक के साथ ही अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आइए देखते हैं कुछ अन्य जानकारियां। सुभाषनगर थाना पुलिस ने सत्यम कॉम्प्लेक्स के निकट लड़ाई झगड़ा करते हुए एक दर्जन लोगों को शांति भंग के अंदेशे में गिरफ्तार किया। थाना प्रभारी जय सुल्तान ने हलचल को बताया कि सत्यम कॉम्प्लेक्स के निकट शराब की दुकान के पास लड़ाई झगड़ा करते हुए 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इन्हें न्यायालय में पेश किया जा रहा है। सत्यम कॉम्प्लेक्स के आसपास सूचना मिली थी कि कुछ लोग हैं जो वहाँ पर लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, जिस पर मौके पर पुलिस पहुँची और वहाँ पर 12 लोग थे जिनको पुलिस ने डिटेन किया और शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार करके और थाने पर लेकर के आए। महात्मा गांधी जिला अस्पताल में भर्ती झारखंड के हजारीबाग जिले के सीलाडी की रहने वाली शकुना भुइया ने बताया कि वह हजारीबाग के बरही निवासी पूजा भुइया के साथ माता के दर्शन करने ट्रेन से चित्तौड़गढ़ आई थी। दोनों निम्बाड़ा पहुंच गई, जहां उन्हें एक दोपहिया वाहन चालक मिला जो उन्हें घुमाने के बहाने अपने साथ ले गया। शकुना का कहना है कि वहां जंगल में ले जाकर उक्त व्यक्ति ने उनके साथ मारपीट की, जिससे वह और पूजा घायल हो गई। दोनों यहां भीलवाड़ा आई। पूजा को निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। शव को जिला अस्पताल की मोर्ची में रखवाया गया है। वहीं शकुना को जिला अस्पताल में भर्ती कर लिया गया। शकुना का कहना है कि वह मारपीट करने वाले को नहीं जानती। फिलहाल एमजीएच चौकी पुलिस ने निम्बाड़ा पुलिस को सूचना दी है। वहां की पुलिस के आने व महिला के बयान दर्ज करने के बाद ही स्थिति साफ हो पाएगी। प्रेम कुमार गढ़वाल की रिपोर्ट। नहीं तो आप झारखंड से कितने जन आए थे? झारखंड से आए थे मतलब 4 जन। हाँ, एक बूढ़ी थी, बोला बेटी चलो हम लोग भी घूम के। हमको वही चलाई थी पूजा, हमको पता नहीं था। निम्बाड़ा क्या लेने गए थे? निम्बाड़ा हमको पता नहीं था, यही बोला कि चलो घूमने हम क्या आएंगे।
तो निम्बाड़ा कूदने के बाद में आपके साथ क्या हुआ? मारपीट हुआ था। किन लोगों ने की मार दी? तीन को मर्दाना था, मुंह बांध के आया था, उनको पता नहीं था। ये पूजा बोला कि चलो, बुला रहे थे चलो, तो चल गए। तो किस किस के साथ में मारपीट हुई? जेंट्स था वो। नहीं, आपके तीनों के साथ में मारपीट हुई या दो के साथ में खाई हुआ? विधानसभा चुनाव में नियुक्त माइक्रो ऑब्जर्वर का प्रशिक्षण गुरुवार को नगर परिषद टाउन हॉल में हुआ। प्रशिक्षण के दौरान नियुक्त सामान्य पर्यवेक्षक डॉक्टर जीवाणी मोहन, दीपा शंकर चौधरी, अभिजीत बरुआ तथा जिला निर्वाचन अधिकारी आशीष मोदी मौजूद रहे। ऑब्जर्वर ने कहा कि निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान माइक्रो ऑब्जर्वर की भूमिका आंख कान नाक जैसी है, इसलिए सतर्कता के साथ निर्वाचन संबंधी प्रत्येक गतिविधियों पर पैनी नजर रखें। प्रशिक्षण के दौरान दी गई जानकारी का अच्छे से अध्ययन करें। That you are unable to vote if you are above 18 years and no disability can prevent you from voting. No disability of any sort. You may be just on your deathbed or you may be totally disabled. You may not have any hand, you may not have legs, you may not have a mind, but still. जिला प्रशासन की ओर से 20 नवंबर को मेजा बांध का पानी नहर में छोड़ने की तैयारी चल रही है, लेकिन नहर के हालात जस के तस बने हुए हैं। नहर जगह जगह से टूटी हुई है और गंदगी से अटी पड़ी है। हरनी क्षेत्र में इस नहर में फिलहाल आसपास की कॉलोनी का गंदा पानी आ रहा है। हरनी कला निवासी शंकरलाल जाट ने बताया कि 4 से 5 साल बाद नहर में मेजा बांध से पानी आने वाला है, लेकिन स्थिति यह हो रही है कि नहर में कीचड़ हो रहा है। पास की कॉलोनी राधेनगर व आदर्श नगर का गंदा पानी आ रहा है। प्रशासन सफाई नहीं करवा रहा, मरम्मत भी नहीं करवा रहा है। नहर में वर्तमान में नालियों का पानी छोड़ रखा है। अगर प्रशासन नहर को सही नहीं कराएगा तो 20 नवंबर से छोड़ा जाने वाला पानी खेतों को नहीं मिल पाएगा और इधर उधर बहकर रह जाएगा। ग्रामीणों ने नहर की मरम्मत कराने के साथ ही कॉलोनी के गंदे पानी की निकासी की व्यवस्था अलग करवाने और नहर से अतिक्रमण हटवाने की मांग की है। प्रहलाद तेली की रिपोर्ट। मैं शंकरलाल जाट, हरनी कला, हरदेव जाट बोल रहा हूँ। कम से कम 4-5 साल में हमारे ये नहर माता वापस आ रही, मेजा डैम के अंदर पानी आया है, लेकिन स्थिति ये हो रही है इस नहर की कि पूरा कीचड़ हो रहा है और राधेनगर आदर्श नगर का ये टोटल पानी ये कीचड़ हो रहा, जगह जगह पानी फूटी हुई नहर। अब नहर के 7 दिन रह गए, लेकिन अभी तक कोई प्रशासन की यहाँ अभी कोई ये नहीं है बुझा कर, प्रशासन आके सफाई वगैरह नहर को कोई सफाई नहीं सफाई है, नहीं कोई टूट भाग, जगह जगह तोड़ी हुई नहर को नालियां डाल दी है कॉलोनी वाले ने, जगह जगह नहर के अंदर फोड़ फोड़ के नाली डाल दी, फुल अतिक्रमण हो रहा, पूरा अतिक्रमण क्या नहरों की जगह जगह पाच को तोड़ तोड़ के पानी ये गंदा पानी नहर के अंदर छोड़ा जा रहा। पूरा राधेनगर आदर्श विहार ये पूरी कॉलोनी आ गई, जो पूरी अतिक्रमण नहर के ऊपर तो गाड़ी नहीं निकल सकती, पूरा अतिक्रमण हो रहा। राजेंद्र मार्ग स्कूल परिसर में सुभाष नगर, प्रताप नगर एवं भीमगंज स्कूल के स्टाफ एवं छात्रों ने रंगोली बनाकर दीपदान के बाद केंद्र मार्च निकाला। प्रधानाचार्य डॉ. श्यामलाल खटीक ने हरी झंडी दिखाते हुए जलती हुई मोमबत्तियों के साथ कैंडल मार्च प्रारंभ करवाया, जो गोलप्याव चौराया होती हुई सूचना केंद्र पहुंचा, जहां आतिशबाजी कर नागरिकों का ध्यान आकर्षित करके मतदान के लिए जागरूक किया। इसके बाद मतदाता जागरूकता संबंधित नारे लगाते हुए छिपा बिल्डिंग, आनंद धाम व रोडवेज बस स्टैंड होते हुए अपने अंतिम स्थल मिलन टॉकीज पहुंचकर समाप्त हुआ, जहां पर मार्च की समाप्ति हुई। अब एक नजर छोटी बड़ी खबरों की ओर। अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद बिजोलिया और आसिन क्षेत्र के 2 बुजुर्गों की मौत। 4 दिवसीय डाला छठ महापर्व कल से। सचिन पायलट 19 को भिलवाड़ा, आसिंद और माडल में जनसभा को करेंगे संबोधित। भिलवाड़ा नगर परिषद के 5 पार्षद बीजेपी में शामिल, कुछ और पार्षद थाम सकते हैं बीजेपी का दामन। पूर्व प्रीमियर लीग में बालाजी टाइटन रही विजेता। भिलवाड़ा हलचल में समाचार व विज्ञापन के लिए संपर्क करें 7737741455। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।